हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं स्फीयर के जो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है ना, उसको उसका जो डेरिवेशन है वो मैं आपको बताऊंगा। मतलब हमें यहाँ पर डिराइव करना है वी इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। कैपिटल आर उस स्फीयर का रेडियस है और उसका जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला हमें ये अच्छी तरह से पता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसका डेरिवेशन कैसे होता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो एंड तक इस वीडियो को देखें अगर आपको डेरिवेशन सीखना है कि जो स्फीयर का वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो पूरा स्फीयर है इसके वॉल्यूम को डिवाइड कर देते हैं। मतलब ऊपर वाला हेमिस्फीयर और नीचे वाला हेमिस्फीयर दोनों का बीच में से उसको हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ऊपर वाला का जितना वॉल्यूम होगा उतना नीचे वाले का वॉल्यूम होगा। सो नीचे वाले का वॉल्यूम निकाल लेंगे और वी किसके बराबर हो जाएगा, 2 टाइम्स V1 के। हेमिस्फीयर का निकाल लेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम हमें पता पड़ जाएगा। ठीक है, सो V1 हमें निकालना है। अब यहाँ पर डेरिवेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक डिस्क कंसिडर करनी पड़ेगी इस स्फीयर के अंदर या उस नीचे वाले हेमिस्फीयर के अंदर। ये जो स्फीयर है इसका जो रेडियस है वो है कैपिटल आर के बराबर, और अब हम यहाँ पर एक डिस्क कंसिडर करेंगे। सो हमने क्या करा, ये हेमिस्फीयर का जो बेस है इससे एक्स डिस्टेंस नीचे एक डिस्क कंसिडर करी। इस डिस्क की जो विड्थ है वो है dx के बराबर और ये है रेडियस ऑफ स्फीयर। इसके सेंटर से हम किसी भी पॉइंट, स्फीयर का जो सरफेस है उस पर किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस मेजर करें तो वो हमेशा रेडियस की आएगी, और सेंटर से एक्स डिस्टेंस नीचे यहाँ पर हमने एक डिस्क कंसिडर करी। इस डिस्क का जो रेडियस है वो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि आएगी अंडर रूट ऑफ r² - a² x² सॉरी। अब इस डिस्क का वॉल्यूम की बात करें तो उसे अपन dV1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये वॉल्यूम हो गया डिस्क का। अब ये डिस्क का जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर होगा, डिस्क का एरिया इंटू इस डिस्क की जो विड्थ है। सो डिस्क का जो एरिया है वो होगा पाई इंटू डिस्क का रेडियस का स्क्वायर। सो यहां पर आएगा कैपिटल r² - x² इंटू डिस्क की जो विड्थ है वो है dx के बराबर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे इंटीग्रेट करना है। मतलब यहां पर जो वेरिएबल है वो क्या है, x। तो वेरी क्या करेगा, x वेरी करेगा, और x कहां से कहां तक वेरी कर सकता है, यहां से लेकर यहां तक। मतलब x की वैल्यू 0 से कहां तक लेनी है, जब तक x की वैल्यू कैपिटल R के बराबर नहीं हो जाती। तो यहां पर दोनों साइड अपन को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, x वेरी करेगा 0 से लेकर कैपिटल R तक, है ना। ये जो डिस्क है वो यहां से स्टार्ट होगी हेमिस्फीयर से और यहां तक जाएगी, ठीक है ना। और इस बीच में जब ये हेमिस्फीयर पे होगा तो x की वैल्यू 0 होगी, और जब यहां पर इस एंड पे पहुंचेगा तो x की वैल्यू R के बराबर हो जाएगी। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा V1। अब यहां पर जो जो कांस्टेंट है ना उसको बाहर निकाल देते, तो यहां पर केवल पाई कांस्टेंट है, अंदर बचेगा 0 to r r² - x² dx। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करते हैं, इसको दो इंटीग्रेशन के फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं, क्योंकि यहां पर दो फंक्शन का एडिशन है तो दो इंटीग्रेशन के फॉर्म में ब्रेक कर। अब यहां पर r² r भी क्या है, रेडियस है, रेडियस तो फिक्स होती है तो ये भी कांस्टेंट होगा, इसे हम बाहर निकाल देते हैं फर्स्ट वाले इंटीग्रेशन से। अब यहां पर हम आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सो V1 ये होगा पाई r² dx को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, x, और यहाँ पर लिमिट पुट कर दे, अपर लिमिट r, लोअर लिमिट 0 - पाई। x को x² को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, x³/3, अपर लिमिट r, लोअर लिमिट 0। अब अपन लिमिट पुट करेंगे तो हमें ये मिलेगा, ठीक है, r² * r, ये क्या हो जाएगा r³, और इन्हें हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 2π r³/3। अब ये V1 क्या निकला है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, अपन को टोटल वॉल्यूम चाहिए तो वो 2V1 के बराबर होगा, और ये V1 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दें, सो V बराबर हो जाएगा 4/3 π r³, जो अपन को डिराइव करना था ना, ये फॉर्मूला हमें पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। ओके, सो इस तरह से जो स्फीयर का जो वॉल्यूम है उसका डेरिवेशन होता है, और अच्छी तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। सो आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। और आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।